इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस कलेक्शन वाले कलेक्शन पेजेस वाले सेक्शन को। तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ और हमारे पास जो भी कलेक्शंस होंगी उसकी सारी प्रोडक्ट यहाँ पे शो होगी। तो इसका मतलब क्या है कलेक्शन पेजेस का? तो बेसिकली अगर आपका हमारे पास कोई कलेक्शन है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास, चले मैं आपको वेबसाइट की प्रिव्यू पे लेके जाता हूँ, जहाँ पे मैं यहाँ पे थीम एक्शन पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिव्यू पे क्लिक कर लेता हूँ और हमारे पास वेबसाइट की प्रिव्यू ऑन हो जाएगी। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो आपको चार कलेक्शन नज़र आ रही है, तो बेसिकली अगर कोई भी इस व्यू प्रोडक्ट पे या शॉप नो पे क्लिक कर लेता है तो वो इस कलेक्शन पेजेस वाले पेज पे आ जाएगा। तो हम इसकी कस्टमाइजेशन किस तरह करते हैं, तो मैं अब वापस आ जा जाता हूँ यहाँ पे। तो हम इस पेज की कस्टमाइजेशन अब करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ऊपर देखें तो यहाँ पे अब वही सेम चेंजेस चीज़ें हैं, हेडर, अनाउंसमेंट बार, साइड बार, आपने इसको नहीं छेड़ना। नीचे आपने कलेक्शन पेजेस पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा है शो कलेक्शन इन्फो, ठीक है। जब आप इसको अनटिक कर लेते हैं तो कलेक्शन का नेम यहाँ से हाइड हो जाएगा। तो अगर आपने कोई कलेक्शन का इमेज ऐड किया है तो वो कलेक्शन का इमेज यहाँ पे शो होगा। अगर आपने कोई बैनर वगैरह ऐड किया, जिस तरह मैंने बताया कि आप कलेक्शन की इमेज भी ऐड कर सकते हैं कलेक्शन वाले पेज पे, ठीक है। देन इसके बाद अगर आप वो चाहते हैं तो वो बैनर यहाँ पे शो हो जाएगा अगर आपने कोई कलेक्शन इमेज वहाँ पे ऐड की है। यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है अप्लाई ओवरले ऑन इमेज, जिस तरह अगर आप कोई ओवरले चाहते हैं प्रोडक्ट पे तो वो आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। नीचे वही सेम ऑप्शन कलर स्विचेस शो वेंडर, वही प्रोडक्ट की जो है वो कलेक्शन की इमेजेस की साइज़, तो आप स्मॉल, नॉर्मल, लार्ज जो आपको अच्छा लगता है तो आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है शो सॉर्ट बाय, तो यहाँ पे आप ये देखिए यहाँ पे ये जो सॉर्ट आपको नज़र आ रहे हैं तो आप इस पर क्लिक कर लेते हैं तो आप इसमें किसी कोई भी मिसाल के तौर पर आपके पास कोई कलेक्शन है और उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है तो आपके कस्टमर आपकी ये वेबसाइट पे विजिट करता है और वो सॉर्ट करना चाहते हैं कि जी कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट सेलिंग वाला है, कौन से प्रोडक्ट पे लोग ज़्यादा सर्च करते हैं, क्या कोई अगर वो अल्फाबेटिकली वो चेंज देखना चाहते हैं, सॉर्ट करना चाह सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो वो यहाँ से इस सॉर्ट पे क्लिक करके उसकी चेंजेस कर सकता है। नीचे आप यहाँ पे उसकी टूल बार जो ये सॉर्ट की उसकी आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं, टॉप और बॉटम पे कर सकते हैं। नीचे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा है फिल्टर्स, ये जो साइड बार पे फिल्टर्स आपको नज़र आएगी वो यहाँ पे अभी डिजेबल है तो आप इसको इनेबल करके आप इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी डिटेल होती है वो आप साइड बार की वो यहाँ पे शो होगी। नीचे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मूड जो है वो आप चेंज कर सकते हैं या आप वही सेम अगर आपके पास शो फिल्टर कलर स्विचेस तो आप उसमें जो है वो मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस मेन्यू की क्विक लिंक्स यहाँ पे शो हो। यहाँ पे आप नीचे देखें तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट शो प्रोडक्ट पर रो इन डेस्कटॉप जहाँ पे तो चार है तो आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। ये अभी हमारे पास ये वाला प्रीव्यू आना है तो मैं उसको सेव कर लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ इस प्रीव्यू में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक रो में एक लाइन में हमारे पास चार प्रोडक्ट एड हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको आप थ्री कर ले तो ये जब हम सेव कर लेंगे ये प्रोडक्ट इस पेज पे यहाँ पे ये थ्री हो जाएंगे इस एक लाइन में, ठीक है। अगर आप दो चाहते तो आप यहाँ से आप टू कर सकते हैं, ठीक है, बट चार बेस्ट है, हम इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि एक पेज पे जो है वो 16 प्रोडक्ट शो हो तो यहाँ पे 16 प्रोडक्ट शो होगी। यहाँ पे अगर आप चाहते कि आप एक पेज पे 48 प्रोडक्ट शो हो तो यहाँ पे 48 प्रोडक्ट शो हो जाएगी। जो भी आपकी नंबर हो आप उसको सेलेक्ट कर लें और देन उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो एक पेज पर शो होगी, जिस तरह ये वाला कलेक्शन पेज है इस एक स्पेसिफिक पेज पे वो उस नंबर की प्रोडक्ट शो होगी। और देन उसके बाद जो भी प्रोडक्ट होगी उसका आप वो पेजेस पे बटन पे क्लिक करके दूसरे पेजेस पे मूव जा सकता है, ठीक है। तो अब हम वापस आ जाते हैं और ये कलेक्शन पेजेस में चेंजेस थी तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और ये वही सेम प्रोडक्ट पेजेस वाली ऑप्शन यहाँ पे भी है, रिसेंट रिव्यू प्रोडक्ट्स, अगर आप इसको इनेबल और डिसेबल करना चाहते हैं तो वही सेम ऑप्शन यहाँ पे भी है। यहाँ पे नीचे अगर आप देख तो यहाँ पे लिखा है कलेक्शन फुटबार, ये जो कलेक्शन का फुटर है आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस सेक्शन में आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं बैक चला जाता हूँ, यहाँ पे अगेन फुटर वाला सेक्शन है तो इसमें आप सोशल लिंक ये जो मेन्यूज वगैरह हैं आप इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं।